एक प्रोग्राम में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र एक पुरानी कंपनी की तरह जिसका बाजार से तालमेल नहीं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल ने लगाई जनता की अदालत, कहा हरियाणा से डबल इंजन की सरकार जा रही है। केजरीवाल बोले डबल इंजन का मतलब डबल लूट और भ्रष्टाचार, हरियाणा के लोग बीजेपी वालों को भगा रहे हैं। पीएम मोदी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, हमने दिल्ली में स्वास्थ्य शिक्षा और बढ़िया कर दिया, केजरीवाल का बयान। पूर्व सीएम केजरीवाल बोले हमने दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त किया, बीजेपी वाले अपने राज्यों में बिजली फ्री करें, मैं खुद इनका प्रचार करूंगा। 8 अक्टूबर को हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस वाले ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, सीएम नायब सैनी का बयान। सीएम नायब सैनी बोले बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, गठबंधन की जरूरत पड़ी तो भी हमारे पास व्यवस्था है। कांग्रेस नेता अशोक तंवर का दावा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जनता ने विश्वास जताया है। एग्जिट पोल पर जितना कम बोला जाए उतना बेहतर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मनीष तिवारी का बयान। हरियाणा आप चीफ सुशील गुप्ता बोले हमारा फोकस भ्रष्ट बीजेपी की सरकार को हटाने पर था। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का दावा, हरियाणा जम्मू कश्मीर में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल से अलग होंगे हरियाणा चुनाव के नतीजे, बीजेपी सरकार बनाएगी, बीजेपी सांसद किरण चौधरी का दावा। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद का दावा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा से बीजेपी का सफाया तय। एग्जिट पोल के नतीजे पर बोले राजद चीफ लालू यादव, ये नरेंद्र मोदी की पराजय। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों के सुप्रीम लीडर हैं, सभी भ्रष्टाचारियों को डराकर बीजेपी में शामिल करा लिया। राहुल गांधी चुनाव की वजह से नहीं बल्कि जरूरत की वजह से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, नाना पटोले का बयान। सीमातोषी ने बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी बताया, कहा एक एक करके झुग्गियों को ध्वस्त कर रही है। आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान, मोदी सरकार ने रेल किराया बढ़ाया, स्टेशन बेच दिया, अब कहीं रेल की पटरियों न बेच दें। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो लोगों की जान दांव पर लगी रहती थी, रेल हादसे होते थे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले रेलवे की संपत्ति बेचने की शुरुआत लालू यादव ने ही की थी।